सवाल कुछ और है, जब आप कुछ और आ रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा होमवर्क करके जवाब दें तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को बता पाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि देश के बड़े औद्योगिक घराने जैसे अदानी वगैरह हैं, उनको उसमें कितना हिस्सा दिया गया है और क्या उनके इलाके से काम हो रहा है, उनसे जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा। सोलर एनर्जी में आजकल एक बहुत प्रचारित कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 65,000 से 5 लाख रुपया तक कीमत रखी गई है, जो निश्चित रूप से वेंडरों से मिलकर जरूरत से ज़्यादा कीमत है और उसमें उपभोक्ता को 20,000 से लेकर 3,92,000 तक देना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तो जो गरीब बिजली उपभोक्ता है खासकर से बुनकर 500 रुपया तक बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की एक व्यवस्था शुरू गई है, लाखों की अवैध वसूली होती है रोज और बड़ा इशू बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए इस तरह की कीमत रखी गई है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ 16,000 का लक्ष्य है, 19,000 का लक्ष्य है और अब तक खाली 98 लगे हैं और उसमें से एक को भी सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि क्या इसको दाम को कम करेंगे, सब्सिडी सही समय पर मिले या जीरो पेमेंट पर या मिनिमम पेमेंट पर आप लगा सकें तो ये कार्यक्रम भी सही चलेगा, उपभोक्ताओं को लाभ भी मिलेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा और हमारे बुनकर भाइयों को लूटने से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सोलर एनर्जी प्रमोट करने के लिए मंत्रालय ने, सरकार ने बहुत स्कीमों के द्वारा ये प्रयास चलाया है कि सोलर एनर्जी बढ़े और पावर के ऊपर जो हम डिपेंड है तो सोलर एनर्जी के ताकत से हम आहिस्ते आहिस्ते जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, अब तक जो 6 स्कीमें हमने तैयार की है और जैसा सांसद जी ने कहा है, हम निश्चित तौर से पहले इसकी जो कॉस्ट आती थी कम से कम पर यूनिट 6 रुपये के ज़्यादा कॉस्ट आती थी, अब हम कम से कम 2-2.5 इस पर रुपये जो पर यूनिट 2.5 रुपये पर आ गए हैं और जैसा जैसा नया नया रिनोवेशन यहाँ हो रहा है उस तरह से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ताकि हम जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम एक कॉस्ट तरह तरह के इसमें हम कम कॉस्ट में बिजली दे पाएंगे। जी, मेरा सवाल ये था कि जो लगाने में कास्ट आ रही है उसके वजह से 19,000 के बनिस्पत केवल 98 घरों पर लगे हैं, उसकी कास्ट कम करने की बात कर रहा था, उसको जीरो पेमेंट पर बात कर रहा था। सवाल कुछ और है, जब आप कुछ और आ रहा है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा होमवर्क करके जवाब दें तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को बता पाएंगे आपकी तरफ से। दूसरा जो सौर ऊर्जा का सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, मैं जानना चाहूंगा कि देश के बड़े औद्योगिक घराने जैसे अदानी वगैरह हैं, उनको उसमें कितना हिस्सा दिया गया है और क्या उनके इलाके से काम हो रहा है, उनसे जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा। सर जी, हम भारत इस सोलर एनर्जी में आत्मनिर्भर हो इसके लिए स्कीम भी तैयार की हुई है। ये PLI जो स्कीम है तो ये ऐसे स्कीम है कि जो खुद एनर्जी बनाए, पावर बनाए, और अब तक ये स्कीम अच्छी तरह आगे गई नहीं है और इसके लिए कहीं सरकार ने अब तक कोई कुछ भी पैसा नहीं दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।